केंद्र और असम सरकार ने गुवाहाटी में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के रंजन देमारी गुट के साथ शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर। संगठन के सदस्यों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। हिंसा से दूर रहने की जताई प्रतिबद्धता। यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल पूछताछ के लिए हुए गोवा पुलिस के सामने पेश। स्थानीय अदालत ने तेजपाल को दी एक दिन की राहत। तेजपाल की अग्रिम जमानत याचिका पर आज 10 बजे होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट जांच समिति ने कानून की एक प्रशिक्षु छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में सौंपी अपनी रिपोर्ट। शिकायत में आरोपी के तौर पर पूर्व जस्टिस ए के गांगुली का नाम। पूर्व जस्टिस ने किया आरोपों से इनकार। 1 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में थमा चुनाव प्रचार। 199 सीटों पर होगा मतदान। 4 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार में तेजी। बाली में विश्व व्यापार संगठन की बैठक के पहले वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा, भारत खाद्य सुरक्षा के अपने अधिकार को करेगा सुनिश्चित। कृषि सब्सिडी के किसी उल्लंघन से स्थायी बचाव के लिए भी करेगा प्रयास।